डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। श्रीकांत त्यागी मामला गरमाया हुआ है। मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर चौधरी चरण सिंह पार्क में श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी और मामी इंगला त्यागी को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 1.5 महीने से त्यागी समाज का धरना लगातार जारी है। साथ ही त्यागी समाज में दीपक हत्याकांड को लेकर भी आक्रोश है। धरने के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी का कहना है कि उनको 2024 के दौरान ही न्याय मिलेगा और वह 2024 तक ही धरने में बने रहेंगे। वहीं मांगेराम त्यागी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने भी वह वहां पहुंचे थे। जब मांगेराम त्यागी से मुलायम के बारे में बात की गई तो उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि मुलायम सिंह एक अच्छे नेता थे और सर्व समाज के लिए काम करते थे, खासकर किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन जब उनसे वोट के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा ही BJP को वोट दिया है, उन्होंने कभी मुलायम सिंह या सपा को वोट नहीं दिया। हमारी संवाददाता नीलोफर अंसारी ने मांगेराम त्यागी से इस बारे में खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए प्रयास किया जा रहा है कि हम जो अनु त्यागी और इंगला त्यागी जो महिलाएं हमारे समाज की बहन बेटी हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि उसमें जो सरकारी मशीनरी है उसी के तहत कुछ पुलिस अधिकारियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का ही वो काम है जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी। वो बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, इस देश में कानून व्यवस्था को कायम करेंगे, लेकिन उनके ही द्वारा ये अपराध हुआ है और हम न्याय के लिए निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। सभी लोग, पूरे समाज का, सर्व समाज का इसमें योगदान है और आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिलता। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। क्या लगता है? देखिए माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर हम सबको विश्वास है और माननीय न्यायालय से जो फैसला होता है वो उचित होता है, लेकिन हम जो बैठे हैं यहाँ, जो अनु त्यागी और इंगला त्यागी पर जो अत्याचार हुआ है, जो अपराध हुआ है, हम उन पर कार्रवाई चाहते हैं इसलिए बैठे, लेकिन अभी तक उस पर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी शासन उदासीन है, प्रशासन भी उदासीन है, शायद आंख मूंदे बैठा है प्रशासन, किसी अहंकार में है रावण की तरह, ऐसा लग रहा है हमें। सर आप जो है अभी मुलायम सिंह को तो आप इसलिए पहुंचे थे क्योंकि आप योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं? नहीं, हम तो इसलिए कि मुलायम सिंह जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वे हवाई नेता नहीं थे, वे किसान मजदूर और आम जनता के नेता थे और उनको बखूबी पता था कि पब्लिक की क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि वाल प्रधान नाराज हैं, किसी से नाराज है, ऐसा कोई नहीं। आपने कभी वोट किया था उनको? किनको? मुलायम सिंह को। वोट करना ना करना दूसरी बात है, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं आप सर बताइए। वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी देते हैं, त्यागी समाज जो है। तो आप अभी योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं इसलिए वहाँ पहुँचे? ना ना, जब आपकी पसंदीदा सरकार थी ही नहीं मुलायम सिंह सरकार, तो आप क्यों पहुँचे वहाँ? मैं पहला आपको, आप तारीफ भी कर रहे हैं, आपने उनको वोट भी नहीं दिया। मैं पहला आपको बता रहा हूँ, आपके सोच में मैं थोड़ा कन्फ्यूजन है। गांव में अगर दो विपक्षी पार्टी होती है तो गांव का आदमी के अंदर जितनी मानवता होती है, अगर उसका दुश्मन भी है तो पूरी जिंदगी आमा सामी मुकद में चले, जब वो उसके अंत्येष्टि होती है या कुछ को सुख दुख हो, वो उसके परिवार से पहला बैठा मिले। पहला तो आपको मैं एक ही बात बता रहा हूँ, वो ये नहीं था, वो देश का नेता थे। वो दूसरी बात है, कोई किसी को वोट दे रहा नहीं दे रहा, वोट तो योगी भी दे रहा था उसका, वोट तो ये लोग जैन भी दे रहे थे उसको, वोट तो कांग्रेस वाले दे रहे थे, वोट तो मोदी जी ने भी दी उसको, ये सारे गए। ऐसा नहीं है कि हमारे पे लागू हुआ है, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाह रहे कि ये आंदोलन जितना लंबा चल रहा है त्यागी समाज का,
दिन पर दिन हमको तो हमारे समाज को तो इसका फायदा होता जा रहा है, सिर्फ आप उसका नुकसान हो रहा है। आपको क्या फायदा हो रहा है? हमारा समाज आज पूरे देश और प्रदेश में और विदेश तक भी इकट्ठा हो रहा है, सबकी निगाह इस आंदोलन पर है। जिस दिन सरकार कोई ढिंगा मस्त या छेड़ा छेड़ी करेगी उस दिन अपने अपराध का पता लग जाएगा। और रही उसकी बात माननीय न्यायालय का प्रकरण जो आपने भी हमारे छोटे भाई से पूछा है वो प्रकरण दूसरा है। माननीय न्यायालय तो एक भगवान रूप हो, उस पर सबकी आस्था है, सबका विश्वास है, वहाँ जो कुछ होगा ठीक ही होगा। लेकिन हम धरने में जो है माननीय न्यायालय के उससे नहीं बैठे कि हमें वहाँ से इंसान मिले या ना मिले या उसकी जमानत हो, उसका कोई वो नहीं है। हमको तो यह है कि सरकार को 99% वोट दे रही सरकार पास से, और जितना भी विलम्ब या सरकार कर रही है उतना ही इसका इलाज होता जा रहा है। ये इन्हें थोड़े बहुत ही दिन में एहसास हो जाएगा इस बात का। बड़े दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। इस बात इस पर कौन छोड़िए, अभी दीपक त्यागी की हत्या हुई, उसका उसकी गर्दन काट दी गई। उसके पिताजी लखनऊ दो दिन तक दर की ठोकर खाकर यहाँ वापस आएंगे। क्या वहाँ लखनऊ जो मंत्री बैठे हैं माननीय योगी जी बैठे हैं, क्या उन्हें पता है? मेरा जब इनके DGP और प्रमुख सचिव को पता लग गया, क्या 2 मिनट का समय मिलता? तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अहंकारी सरकार है। ये त्यागी ब्राह्मण भूमिहार जो समाज है ना, ये इन्हें बड़े बड़े कुर्ते और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े पदियाँ सब इन्होंने दे रखी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी आने वाला है वो समय, इन्हें अपनी औकात का पता भी लग जाएगा। ये जो इनकी अहंकारी जो भाषा है, यहाँ तो अहंकार ब्राह्मण जैसा का ना, यहाँ तो अहंकार उसका नहीं रहा इंदिरा गांधी का, जो उनको कहते हैं बिना इंदिरा गांधी के जो देश कैसे चलेगा। और कांग्रेस जो ना जिसने 60-65 साल राज किया, आज कहाँ कांग्रेस? तो ये जो समय होता है, जो चक्र जो है ऊपर है, जो टायर का हिस्सा ऊपर आता है, वो क्षणों में नीचे आ जा, नीचे वाला ऊपर आ जा। तो कुछ नहीं, ठीक कर दे अपने हिसाब से, ठीक कर दे। यहाँ के अधिकारियों को अगर यहाँ का कमिश्नर जो सुरेंद्र सिंह है, अगर उस दिन चाहते तो 2 मिनट के लिए हमने उठवा देते, जो इतना मामला भी नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी बैठे हैं 2024 का मन बना के बैठे, हम कुछ ऐसा नहीं है। आपको क्यों लगता है कि आपको 2024 के दौरान ही न्याय मिलेगा? आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान न्याय मिलेगा आपको, इसलिए क्योंकि उनको वोट चाहिए? हाँ, देखो यह सरकार ऐसी है, मैं आपको बताऊँ, आज देखो यहाँ से जितने भी बैठे 2-4 को छोड़कर सब मैरिड हो, एक करवा चौथ का हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है, अगर आदमी 10,000 किलोमीटर दूर है विदेश में अपने घर जाता है। लेकिन हमारी आस्थाएं इस आंदोलन से ऐसी जुड़ी है, कोई भी आदमी अपने घर नहीं गया। करवा चौथ का व्रत है तो सभी की है कि आस्था जो अपने परिवार के प्रति आस्था है, वही समाज के प्रति और इस आंदोलन के प्रति आस्था है। सभी लोग यहाँ बैठे हैं और यहीं से इनकी आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। इससे करवा चौथ का जो व्रत है, उस व्रत को भी इन लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया इस आंदोलन के ऊपर। सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा समाज का जो तबका है, जो युवा है, वे भी यहाँ बैठे हैं जिनकी शादी हुई है, तो बड़ी बात है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपको क्यों लगता है 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आपको न्याय मिलेगा कि भाजपा को वोट चाहिए आपसे, इसलिए न्याय देगी? बता का जीपुर बॉर्डर पर क्या आ जाता, 13 महीने बाद लोग आ रहे थे, तो होने का 13 महीने बाद मोदी जी सामने आए थे। और मोदी जी ने कहा था रात के टाइम कि हमने जो है 3 सीट वापस ले ली, तो ये अब जब थोड़ा बहुत इलाज जो है इनका 70-80% इलाज तो हो जाएगा इसमें, जो नगर निकाय चुनाव आ रहे। और फिर 2024 है ना, उस तक चलेगा थोड़ा ना, हम भी बैठे हैं, हमें भी कोई इश्यू नहीं है। बात कर लीजिए, नुकसान तो होगा ही, जब इन्होंने दिखा होगा सभी को, जितने MP MLA हैं, कि तुम्हारी गाड़ी भी छीनेंगी, तुम्हारे बड़े बड़े जो तुम काम जाम ले रहे हैं, पुलिसकर्मी ले रहे हैं, साठ जो मिनिस्टर ले रहे, पूरा इनको आसाराम और पूरी जो ले रहे, पता लग जाएगा तारा इलाज होने लग रहा है। यही कहने लगूंगी योगी जी को, किसी इस मामले में निपटा। योगी जी से दीपक के पिता ने मिलने की गुहार लगाई थी, योगी ने मना कर दिया, ऐसा कुछ है? अब हमें तो पता नहीं ना, हमें मन्ने का पता ना हाँ का पता, हमें तो इतना पता है जिस तरह हो गया था बेचारा, इसी तरह वापिस आया, आगे हमारे से मिला। लेकिन समाज उसके साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है। योगी जी पढ़ा मन्ने कर दो, लेकिन समाज में नहीं कर रहा, समाज साथ हो।
परिवार फिलहाल आप अनु त्यागी और दीपक दोनों के साथ में हैं यहाँ इस आंदोलन में। अरे दीपक और अनु छोड़ दो, पूरे देश में और प्रदेश में कहीं भी किसी भी समाज के, क्या अन्य समाज के भी, सर समाज का किसी का भी उत्पीड़न न होगा भाई, हमको साथ खड़े। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।